क्योंकि ये पोटेशियम है, एक परत इसने बनाई है पोटेशियम की, और ऐसा पोटेशियम जो पौधा बिल्कुल इसको सीधा ले लेगा। साथ में इसमें ढेर सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, तो ये मिट्टी में अपने आप डेवलप होते जाते हैं। फिर बार 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 बहुत बार डालने की जरूरत नहीं होती। ये ऑर्गेनिक मटेरियल है, पूरी ग्रीन, यहाँ से लेकर वहीं तक आखिरी तक ऐसे ग्रीन ग्रीन, बिल्कुल एकदम इतनी ज़्यादा ग्रीन है कि आपको पता चलेगी जैसे पूरी सीवेड यहाँ बिखेर दी गई हो। एक में दो, एक में दो, इसके बाद जब भागा तो अभी एक में पाँच आएंगे, एक दो पाँच पाँच छः छः सात सात फूल देगा। बट दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ परमात्मा देव और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। इस समय मैं आपको एक विशेष, अभी मैंने जो प्रैक्टिकल किया है वो दिखाने जा रहा हूँ। तो ये बात केवल उन लोगों के लिए उपयोगी है जो पहले से शुरुआत से चैनल पर जुड़े हैं, और जो बहुत सारे मैं ऐसे प्रयोग शोध करता रहता हूँ, या बहुत सारे लोगों को मैंने कहा कि हमेशा कुछ ना कुछ अगर आप करते रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो हमें देखने को मिलती हैं और आश्चर्यजनक होती हैं, और हमारे लिए और बहुत सारे लोगों के लिए लाभ का सौदा हो जाती हैं। तो इसी कड़ी में मैं आज आपको एक विशेष प्रयोग दिखा रहा हूँ, तो उसको ऐसे देखिएगा ध्यान से, बहुत उपयोगी है। वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने का कोशिश करिएगा, और ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिन लोगों के पास समय कम होता है, तो वो एक सेकंड में सारा ज्ञान जानना चाहते हैं। तो ऐसे विद्वान लोगों के लिए मेरे कहना है कि इसमें, इस वीडियो में समय बर्बाद मत करिए आप, हो सकता है आपके लिए सामग्री पर्याप्त ना हो, बट चैनल से जुड़े पुराने लोगों के लिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण निश्चित रूप से होगा, तो पूरा देखना फिर आप। मैं जो दिखाना चाह रहा था वो ये है, इसको देखें आप गौर से, ये मिट्टी आप देख रहे हैं, ये लाल मिट्टी दिख रही है आपको। ये मिट्टी लाल नहीं है, मेरी मिट्टी का, मेरे फार्म की मिट्टी का जो मूल कलर है वो ये वाला है, ये कलर है। और ये जो कलर आप देख रहे हैं ये अमेरिकन सीवेड है। मैंने अभी जो इसमें डोज डाला था, तो पूरा देखिएगा, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, पूरा डिफरेंस दिख जाएगा एक एक करके। उसमें जो सीवेड में जो हार्मोन्स होता है, ये अमेरिकन सीवेड होती है। उसके जो शोध पत्र मेरे पास आया था, तो ये कोई अटलांटिका से, वहाँ से समुद्र की करीब ऐसे 150-200 मीटर गहराई से जो सीवेड निकलता है उस मटेरियल से बनता है जी अमेरिकन सीवेड। इसलिए ये महंगा होता है, आते आते महंगा हो जाता है। आप देखेंगे कि ये मिट्टी बिल्कुल ऐसे हो गई है जैसे बिल्कुल लाल हो, और इस लाल होने का कारण जानते हैं, इसमें 35% पोटेशियम होता है, जो पोटेशियम पोटास के जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं अमेरिकन सीवेड में। इसलिए ये फल की साइज को, पौधे की ग्रोथ को मेंटेन करता है। हालांकि सीवेड का जो उपयोग होता है, जैसे किसानों का जो स्वभाव होता है कि वो सोचते हैं कि कोई चीज़ हम डालें तो हमें 24 से 48 घंटे में पौधे में रिजल्ट दिख जाए, और रिजल्ट मतलब पौधा काला हो जाए उसके बाद कुछ हो या ना हो। तो इसलिए अक्सर कहा जाता है कि सीवेड को मिट्टी से ज़्यादा पत्तियों पर डालना चाहिए, और है भी सही, मिट्टी से ज़्यादा सीवेड को अगर आप पत्तियों पर डालेंगे तो 10 से 15% ज़्यादा मात्रा में फ़ायदा पहुँचता है। पर मिट्टी में डालने से क्या होता है कि ये करंट फ़ायदा नहीं देती है, जैसे आपने आज डाला और आज ही आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको समय लग जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे 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 वो सीवेड मिट्टी को ही कन्वर्ट कर देगा। जैसे आप भी ये ऐसे देख रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे सिंदूरी कलर है ये बिल्कुल, अब इस तरह की मिट्टी। अब ये कलर आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो, जैसे पता नहीं आपको उसमें वीडियो में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट ये ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरी मिट्टी गेरू वाली हो गई हो, गेरू है ना, लाल गेरू होती है ऐसे। और देखिए ये कलर हाथ में ऐसे घिसने से नहीं आएगा, क्योंकि ये पोटेशियम है, एक परत इसने बनाई है पोटेशियम की, और ऐसा पोटेशियम जो पौधा बिल्कुल इसको सीधा ले लेगा। साथ में इसमें ढेर सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, तो ये मिट्टी में अपने आप डेवलप होते जाते हैं। फिर बार 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 बहुत बार डालने की ज़रूरत नहीं होती। ये ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसके साथ जब बहुत सारी न्यूट्रिशन, जैसे हेलीकॉप्टर डोज में जो मटेरियल है वो डाला जाता है, उसमें भी हार्मोन्स होता है, तो हमारी मिट्टी ही एक प्रकार का बहुत बड़ा ऐसे न्यूट्रिशन का भंडार बन जाती है, जो पौधे के लिए अपने आप में ऐसे संपूर्ण पोषण होता है। अब देखिए मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ कि यहाँ से मैंने इतने ही एरिया में डाला था, लगभग करीब 10 से 12 लाइनें थी ये,
तो इसी में डाला है, उसके बाद फिर मैंने नहीं डाला। तो जो पानी होता है ना वो थोड़ा बहुत बह जाता है उसके साथ, तो जहाँ जितना थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बहा तो ये कलर है। इसके आगे आप देखेंगे तो बिल्कुल फिर मिट्टी का कलर चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ नहीं डाला मटेरियल, तो यहाँ है तो आप यहाँ की जो मिट्टी देखेंगे थोड़ा बहुत अगर कहीं आ गया देखिए, तो जैसे ये यहाँ है ऐसे। अब इसके बाद यहाँ मैंने केवल ऐसे डाला सिंगल डोज। सिंगल डोज से मेरा मतलब है केवल डोज जो सामान्य डोज है उसमें पोटास और वो क्या कहते हैं कि एनपीके मिलाने के बाद सल्फर और बस ह्यूमिक एसिड के साथ डाला। तो देखिए उसका ये रिएजन अलग है। इस तरह से आप देखेंगे तो ये लाइन है बिल्कुल एकदम सादा और आपको फ्रेश मिट्टी मिलेगी। और पौधा अगर आप देखेंगे तो एक उसमें एक अलग तरह का मैनेजमेंट और अलग तरह की पौधे की वो ग्रोथ व्रोथ मिलेगी। फिलहाल अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ मिट्टी का इसमें क्या है। और इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे दूसरी जो है देखिए यहाँ भी मैंने ये थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे कि ये रेड कलर दिख रहा है यहाँ। तो जो बाद में आखिरी में पानी बह के आया तो देखिए थोड़ा सा 5 फुट तक इसमें सीवेट चली गई होगी, उसके आगे कुछ नहीं गया। तो वो बिल्कुल आप पूरी नाली आप देख रहे हैं वो बिल्कुल मिट्टी के कलर में है, बट ये डार्क हो गया इस तरह से। तो ये अमेरिकन सीवेट है। अब इसके बाद चलिए मैं अब आपको दिखा रहा हूँ ग्रीन सीवेट का असर। ग्रीन सीवेट का असर क्या होता है, उसके दूसरे एरिया में फिर मैंने इसे ग्रीन सीवेट डाला। तो अब आप ग्रीन सीवेट को देखेंगे कि उसके डालने से मिट्टी में क्या हुआ। अब देखिए ये ग्रीन है, अब आप यहाँ देखेंगे तो अगर आप शायद आपको दिख पा रहा होगा तो ये बिल्कुल गहरा जैसे काई होती है ना, जैसे तालाब में जो हरी वाली काई होती है, सीवेट मतलब काई ही होती है एक प्रकार की, बस वो समुद्री घास होती है। हमारे तालाबों में जो नील हरित शैवाल होता है वही, जो जितना बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हार्मोन्स कैसे बनता है। देखिए हार्मोन्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम बना सकें, लोगों के अपने अपने प्रकार के मत हैं, कोई कुछ भी कह सकता है, बट ये हार्मोन्स ये प्रकृति का जीव है। जैसे कोई मनुष्य नहीं बना सकता, वैसे ही रेडीमेड हार्मोन्स नहीं बनता है, ये तो प्राकृतिक है, पौधों में पेड़ पत्तियों में पाया जाता है। तो जो ऑक्सीजन होता है बहुत पावरफुल होता है, वो सेल्स को डेवलप करने वाला हार्मोन्स। तो ये ग्रीन सीवेट है। अब ग्रीन सीवेट के नाम पर मार्केट में बहुत बड़ी लूट मच रही है, कई तरह के लोग अलग अलग तरह की कोई भी हरी पत्ती पीस के और बेचा जा रहा है। तो मार्केट है, कोई इसकी पहचान करना जानना इस तरह से कोई खास किस्म के प्रमाण पत्र तो कोई देता नहीं है, कैसे करें कैसे पता चले। तो लोकलिटी होती है, पर जब ओरिजिनल सीवेड होती है तो उसको भी मैंने देखिए डोज के साथ पानी मिला के कुछ एरिया में इसको बहाया। तो जब आप इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल एक अलग तरह का कलर है इसका। आप ऐसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल पूरा यहाँ जैसे वो डार्क रेड कलर में था अमेरिकन, अभी आप उसको डार्क ग्रीन देखेंगे उसी मिट्टी में। देखिए वही है, ये पौधे लगे हुए हैं और अब ये पूरी लाइन है ऐसे डार्क पूरी ग्रीन है, यहाँ से लेकर वहीं तक आखिरी तक ऐसे ग्रीन ग्रीन बिल्कुल एकदम इतनी ज़्यादा ग्रीन है कि आपको पता चलेगी जैसे पूरी सीवेड यहाँ बिखेर दी गई हो। अब बहुत सारी मात्रा में मैंने नहीं डाला, देखिए अभी ये है तो ये देखिए इस तरह से मेरे हाथ में भी आ जाएगा ये ऐसे। तो अब ये क्या होता है कि जो सेल्स होता है ये बढ़ता है एक दूसरे में आपस में। जैसे मैंने इसमें करीब 400-500 ग्राम सीवेट इसमें डाला था, तो ये करीब 10-15-20 लाइनों में आसपास ऐसे चला गया था। तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ जिस लाइन में, जैसे देखिए इस लाइन में भी था, इस लाइन में भी था और ये इस लाइन में भी, देखिए देखेंगे तो ये भी इस लाइन में भी था। ऐसे 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 अगर आप देखते जाएंगे तो बहुत दूर तक ये सब मटेरियल मैंने डाला और उसका नतीजा अब मैं आपको पौधों पर दिखाऊं तो ऐसे ये देखेंगे कि ये देखिए ये पपीता है ये ऐसे। तो देखिए यहाँ ये पहले एक एक पत्ती दे रहा है, ठीक है, एक एक फल है, एक एक फूल है, एक दो है तो वो झड़ रहा है। उसके बाद जैसे ये न्यूट्रिशन मिला तो अब आप इसका ये नतीजा देखिएगा, ये एक में दो, एक में दो, इसके बाद जो भागा तो अब एक में पाँच आएंगे, एक दो पाँच पाँच छः छः सात सात फूल देगा। बट इसमें तीन गारंटी से, इसमें ये तीन झड़ा ऐसे नहीं, आप अगर झड़ाएंगे तब भी नहीं झड़ेंगे, अब जी इस तरह से कंट्रोल होगा इसमें। अब ये तीन तीन में लगेंगे, उसके बाद ये पाँच पाँच में लग जाएंगे। तो
और कोई ना तो फल रुकाने की कोई दवा लगती है, ना फूल रुकाने की कोई दवा लगती, कुछ नहीं होता है। पर लोगों को समझ में नहीं आता है आप कैसे डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं। जैसे कि मैंने कई बार बताया कि अगर कोई इस तरह से चीज़ें डालिए तो पानी की कमी मत होने दीजिए। तो मैं ये बता रहा था कि ये सीवेट का कमाल है, अगर आप इसको मिट्टी में डाल रहे हैं तो दो तीन बार अगर आपने ऐसे पानी में डाल डाल के डोज वोज के साथ खाद के साथ अगर बहाया है तो ये आपकी मिट्टी में हार्मोन्स धीरे 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 करके डेवलप हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब आपको बहुत सारे न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका आपकी मिट्टी ही अपने आप में बहुत मजबूत हो जाएगी, क्योंकि वो प्रकृति के तत्व हैं। ऐसे अगर मिट्टी में कोई चीज़ मिल गई, घुल गई, तो अगर उसमें नमी बनी रहती है तो ये जो हार्मोन्स होते हैं जी ऐसे सदियों जीवित बने रहते हैं। सूखी मिट्टी में भी ये जीवित बने रहते हैं, जब भी उसमें पानी आएगा तो वो जीवित होकर ऐसे चलना शुरू कर देगा। यदि आप चाहें तो इसका उपयोग ऐसे कर सकते हैं, ये मेरा अपना प्रैक्टिकल है और ये मैंने आपको बताया। देखिए ये इस तरह से आप देखेंगे तो ये सब बिल्कुल एक अलग तरह की चीज़ें हैं और अलग अनुभव है और इसका एक बिल्कुल अलग तरह का परिणाम है। तो बहुत सारी जानकारी है, अगर बहुत ज़्यादा बताऊंगा तो फिर लोगों का सर दर्द करने लगता है। ऐसे हमेशा महत्वपूर्ण जानकारी में लोगों का सर दर्द करता ही है। तो ये देखिए, ये बताना मैं चाहता था, बहुत सारे लोगों का सर दर्द करता होगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा, पर कुछ लोगों के भेजे में कुछ ना कुछ बात चली जाएगी। तो ये जानकारी थी जो मेरे पास थी, मैं आपको देना चाहता था। हाँ, अब अगर आप कमेंट करेंगे ये सीवेट मिल नहीं रहा, कहाँ नहीं मिल रहा, तो चैनल पर जाएंगे तो एक नंबर दिया हुआ है, वहाँ से संपर्क कर लीजिए, शायद आपको वहाँ मिल जाए। तो संभव है या इस वीडियो में याद रहेगा तो मैं नंबर दे दूंगा, शायद हो सकता है आपको मिल, गारंटी नहीं देता पर मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। तो तलाशेंगे, जानकारी करेंगे, मार्केट में मिल जाएगी और जब डालेंगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा तो आपको खुशी होगी और संतोष भी मिलेगा और खेती में कुछ अतिरिक्त जो हम करना चाहते हैं वो कर पाएंगे आप। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।